तो एक साल हो चुका है हमारे चैनल को, और ये आप जो स्केचेस देख रहे हैं, ये पूरे 1 ईयर में मेरी बनाई हुई जितने भी वीडियो हैं वो ये सारे स्केचेस हैं। मैंने आई गेस 67 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और जिसमें से ये मुझे 40 स्केचेस मिले हैं, और जो 27 हैं वो मुझे मिले नहीं। तो जितने भी ये स्केचेस हैं और इस 1 ईयर के दौरान जितने भी मेरी प्रोग्रेस है वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा वन बाय वन। पहले इसको समेट लेता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो स्केचेस हैं, मुझे पता नहीं अभी इसमें से स्टार्टिंग में कौन सी की थी। तो ये रही वो स्केचेस, जैसे कि आप देख सकते हैं अब 40 स्केचेस हैं और काफ़ी टाइम लगा है इसको दिखाने में। तो जो जो बेस्ट है मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में ही बात करूँगा। जैसे कि ये है एक, ये है सिंपल पाथ, और एक ये मैंने बनारस घाट का बनाया था, देख सकते हैं आप। जो इवनिंग का टाइम होता है वो कैप्चर करने की कोशिश की मैंने इसके अंदर। और एक ये सनलाइट जो होती है उसको कैप्चर करने की कोशिश की है। और ये एक मैंने मोनोक्रोम में ट्राई किया था। जब लैंडस्केप बनाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ एक ब्लैक एंड वाइट में स्केच ट्राई करूँ और फिर उसको कलर में ट्राई करूँ। इससे वैल्यू स्टडी स्ट्रॉन्ग होती है आपकी। एक ये नॉर्मल हट की लैंडस्केप है। कुछ ऐसे ही और स्केचेस हैं, ये इसमें रिफ्लेक्शन कैसे बनती है वो ट्राई किया था मैंने। एक ये रफली स्केचेस बनाया था मैंने। एक ये मैंने किया था जो कि डार्क एरिया में जो लाइट आती है वो कैसे दिखती है उसको। एक ये मैंने फिगर ड्राइंग की थी लेडीज़ का। अब ये कुछ स्केचेस वही सेम वैल्यू स्टडी, और ये कुछ और बेसिक लैंडस्केप जो मैं रेगुलर प्रैक्टिस के लिए करता हूँ। एक स्मॉल स्केच, और एक ये वाटर रिफ्लेक्शन। इसके अंदर आप देख सकते हैं लाइट और जो शेड में जब पानी का टेक्सचर होता है और किस टाइप से शाइन करती है वो चीज़ कोशिश की है मैंने। ये आपने अगर कराटे किट देखी होगी तो उसका एक सीन है। एक ये बोर्ड बनाई थी मैंने। एक ये हैंडमेड शीट पे ट्राई किया था। तो हैंडमेड शीट पे आप काफ़ी लेयर्स में काम कर सकते हो जो कि कार्ट्रिज पे पॉसिबल नहीं है। तो काफ़ी अच्छा लगा हैंडमेड पे वर्क करके। और ये कार्ट्रिज पे ही है, मोस्टली मेरे लैंडस्केप है वो कार्ट्रिज पे ही है। ये थोड़ा सा ब्लरी इफेक्ट ट्राई किया मैंने जो कि अच्छा रिजल्ट आया था इसका। ठीक है, कुछ बेसिक से स्केचेस हैं। एक ये मैंने सिटीस्केप टाइप का कुछ ट्राई किया था। अब जो अच्छे लैंडस्केप हैं जो कि मुझे भी पर्सनली काफ़ी अच्छे लगते हैं वो सारे स्केचेस आपको शो कर रहा हूँ मैं। देखिए, मैंने बोट बनाई थी। इस टाइप के जो स्केचेस होते हैं ये काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे। और ये है एक, ये सिंपल सा स्केच था। एक ये मैंने थोड़ा ट्राई किया था डिस्टेंस शो करने के लिए कि नेचर में जब आप किसी फील्ड को देखते हैं तो कितना डिस्टेंस होता है उसके अंदर, तो वो
कोशिश की थी कि इसके अंदर आ जाए, देखें। और एक ये कैंसन पे मैंने ट्राई किया था सनसेट का सीन, तो इस पर रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया क्लाउड्स का, और जो पीछे से सनलाइट आ रही है आप देख सकते हैं। इस जितने भी मैंने स्केचेस कर रखे हैं उनमें से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इस लैंडस्केप का। ये जो रिसेंटली वर्क्स है वो सारे शो कर रहा हूँ मैं आपको, जो 1 मंथ के शायद अराउंड मैंने बनाए हैं। ये भी किसी मूवी के सीन से मैंने ड्रॉ किया था। एक इसमें भी मैंने जो आफ्टरनून का जो टाइम होता है तो उसको कैप्चर करने की कोशिश की थी, जिसमें डायरेक्ट लाइट और डायरेक्ट आपको शेडो दिखती है, और ये कुछ वाटर कलर रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिस की थी मैंने। ये स्केचेस है जो पर्सनली मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये जो जो एंड के जो लैंडस्केप है, ये जो हाल ही में मैंने किए हैं वो है, और ये शायद लास्ट वीडियो है मेरी जो भी रिसेंटली अपलोडेड थी, ये वो है। तो आप इस दौरान मेरी जो प्रोग्रेस हुई है वो आप देख सकते हैं। और आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस वगैरह और मेरे वर्क अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपके सजेशन बहुत वैल्यूबल है मेरे लिए। थैंक यू।